वो नहीं चाहते कि तू खबर की तह तक पहुंच, क्योंकि खबरों की इन्हीं गहराइयों में छिपा है राजनीति का असली खेल। न्यूज चक्र खबर की गहराइयों को टटोलता। मोदी सरकार में मंत्री स्मृति ईरानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शेर बताकर फंस गई हैं। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों एक वीडियो के साथ स्मृति ईरानी ने क्या ट्वीट किया है जो आपके स्क्रीन पर है। जब शेर ने अपना जन्मदिन चीतों के साथ मनाया, और ये वो वीडियो है जिसको आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं जो स्मृति ईरानी ने पेश किया है। अब उनके इस बयान आने के बाद कांग्रेस उन पर झपट पड़ी है। इत्तेफाक देखिए दोस्तों, एक तरफ स्मृति ईरानी ने बयान दिया, दूसरी तरफ इस सरकार का एक पालतू पत्रकार भी लगभग वही जुबान इस्तेमाल कर रहा था। आपके स्क्रीन पर शेर लाया चीता। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, ये शेर चीता इन तमाम शब्दों से नवाजना कितना सही है भाई? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो खुद को प्रधान सेवक कहते हैं। मैं तो कहता हूं वो प्रधान सेवक भी नहीं है, वो सिर्फ प्रधानमंत्री हैं जिसे आपका वोट उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बिठा रहा है। उन्हें शेर जैसे शब्दों से नवाजना कितना सही है। और जाहिर सी बात है कि इस पर कांग्रेस जो है वो स्मृति ईरानी पर टूट पड़ी है। आपके स्क्रीन पर ये हैं जयराम रमेश, जिन्होंने ये बयान दिया है जो आपके स्क्रीन पर है। उन्होंने ट्वीट किया है जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झूठा तक करार दिया है। दरअसल जो प्रोजेक्ट चीता है, जिसके अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामीबिया से 8 चीते भारत लेकर आए और उन्हें पालपुर कूनो राष्ट्रीय अभयारण्य में जो है वहां डाल दिया गया है, वो दरअसल 2009 में शुरू हुआ था यूपीए 1, जब जयराम रमेश जो हैं वो पर्यावरण मंत्री थे और जयराम रमेश ने बाकायदा सबूत के तौर पर यह पेश किया है। वो कह रहे हैं कि ये वो खत है जो इस बात का प्रमाण है कि प्रोजेक्ट चीता जो है वो साल 2009 में शुरू हुआ था। हमारे प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं, कह रहे हैं जयराम रमेश, कड़े शब्दों का इस्तेमाल दोस्तों। और उन्होंने बाकायदा एक खत भी पेश किया है जो उन्होंने डॉक्टर एम के रणजीत सिंह, जो कि वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया से जुड़े हुए थे, इसमें उन्होंने क्या कहा था साल 2009 में, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। Please go ahead and prepare a detailed roadmap for the reintroduction of the cheetah, which should include a detailed analysis of different potential sites. यहां पर जयराम रमेश ने साल 2009 में उन्हें खत लिखा था और इसमें उन्होंने कहा था कि आप प्रोजेक्ट चीता की तैयारी कीजिए, हम इस पर गौर करेंगे। दोस्तों इसकी तैयारी चल रही थी और जैसा कि एनडीटीवी की एक खबर भी कहती है, साल 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी थी। फिर 7 साल गुजरते हैं, यानी साल 2019 वो था जब सुप्रीम कोर्ट ने उस रोक को हटा दिया। नतीजा आपके सामने है, चीते भारत आ गए हैं, मगर जानवर जो हैं, या ये कहा जाए अजायब घर चिड़ियाघर पूरा देश बन गया है। स्मृति ईरानी और उस पत्रकार के ट्वीट, उस पत्रकार के कार्यक्रम से स्पष्ट हो चुका है। मगर कांग्रेस लगातार हमला बोल रही है दोस्तों। मसलन कुछ लोग ये तस्वीर पेश कर रहे हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि नेहरू जो हैं वो एक बाघ के साथ खेल रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऊपर बैठ के चीता को जो है वो छोड़ रहे हैं। अब वो कह रहे हैं भैया डरपोक कौन और निडर कौन, यानी कि नेहरू के नाम पर जो राजनीति बीजेपी करती है, कांग्रेस उसकी बिल्कुल उलट राजनीति कर रही है। बात यानी रुकती और आगे किस तरह से स्मृति ईरानी पर निशाना साधा जा रहा है आपके स्क्रीन पर हवाला दिया जा रहा है दोस्तों जनसत्ता की इस खबर का, जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। चूंकि स्मृति ईरानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शेर बताया, अब कांग्रेस का जो प्रचार तंत्र है वो हमला बोल रहा है और कह रहा है कि चीन में तो आप डर गए थे, फिर शेर किस लिए खुद को कह रहे हैं। जनसत्ता की खबर, पेट्रोल पॉइंट 15 ही नहीं 16 से भी पीछे हटी भारतीय सेना, 50 सालों से कब्जे में था यह इलाका, लद्दाख के काउंसलर का दावा। यानी कि 2020 अप्रैल 2020 तक जिन इलाकों में भारतीय सेना गश्त कर सकती थी, यानी कि पेट्रोल पॉइंट 15 और पेट्रोल पॉइंट 16, चीन के साथ जो समझौता हुआ है भारत को उससे भी पीछे हटना पड़ा है।
ऐसे में याद दिलाया जा रहा है कि जो लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शेर बोलते हैं, कृपया इस पर भी गौर करें। और बात यहां नहीं रुकती। स्मृति ईरानी को निशाने पर लेने वाले लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान भी जो है वो वायरल कर रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था, झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा था। और अब यह कहा जा रहा है कि दरअसल ये झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, ये बीजेपी का ही अंदाज बयान है। सुनिए क्या कहा था पीएम ने। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो। तो इस तरह से निशाने पर आई स्मृति ईरानी। यही नहीं दोस्तों, ड्यूरेंट कप हुआ और उसमें बैंगलोर फुटबॉल क्लब जो है वो ड्यूरेंट कप जीत गया। इसमें ये वीडियो सामने आया है जिसमें आप देख सकते हैं कि जो विजेता टीम के कप्तान हैं वो कप का सम्मान ले रहे हैं, मगर पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल हैं उन्हें धक्का देकर पीछे कर देते हैं। पत्रकार मिलिंद खांडेकर ने क्या ट्वीट किया है, मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं। ड्यूरिन का फुटबॉल बैंगलोर एफसी ने जीता और फोटो खिंचवाने का कप पश्चिम बंगाल के राज्यपाल एल ए गणेशन ने कप्तान सुनील छेत्री को धकेलते हुए, माननीय राज्यपाल। अब जाहिर सी बात है कि कांग्रेस को इसके जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलने का मौका मिल गया। क्या कह रही है सुप्रिया सुनेत, साहिब के नक्शे कदम पर, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नक्शे कदम पर। और ऐसा सुप्रिया सुनेत इसलिए कह रही है क्योंकि आप जानते हैं कि ऐसी ढेरों मिसालें आ गई हैं जहां कैमरे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में जब भी कोई व्यक्ति आया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद को दिखाने के लिए अक्सर उस आदमी को हटा देते हैं। मसलन ये वीडियो, फेसबुक के जो ओनर हैं मार्क जकरबर्ग को किस तरह से प्रधानमंत्री ने कैमरे और खुद के बीच से हटा दिया था। और यही तंज जो है पश्चिम बंगाल के राज्यपाल पर कसा जा रहा है। और आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल मोदी सरकार के दूत हैं। इस कार्यक्रम का मकसद क्या था, मैं आपको बतलाना चाहता हूं। इस कार्यक्रम का दोहरा मकसद था। उद्देश्य नंबर एक, सबसे पहले यह बतलाना कि भारतीय जनता पार्टी में कितनी हिपोक्रेसी है, कितने दोहरे मापदंड हैं। क्योंकि आजाद भारत के इतिहास में प्रधानमंत्री ही एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने खुद को प्रधान सेवक बताया, जिन्होंने दूसरी सरकार को माई बाप सरकार बताया। मगर पिछले दो दिनों से जो हम लगातार देख रहे हैं ना, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महिमा मंडन हो रहा है, जिस तरह से उन्हें शेर बताया जा रहा है, ये सब बतलाता है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र ही नहीं, उनका पालतू मीडिया ही नहीं, उनके मंत्री ही नहीं, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि खुद प्रधानमंत्री समझते हैं कि वो आदि पुरुष हैं, वो महामानव हैं। क्योंकि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री ने कभी खुद सामने आकर यह नहीं कहा कि देखिए आप लोग जो इन तमाम संज्ञाओं से मुझे नवाजते हैं, जो मुझे अलंकृत करते हैं, ये सब बंद कीजिए। प्रधानमंत्री को आगे आकर ये सब कहना चाहिए, स्मृति ईरानी पर लगाम लगाना चाहिए, ताकि स्मृति ईरानी आगे से प्रधानमंत्री के बारे में इन तमाम शब्दों का इस्तेमाल न करें। जी हां, बीजेपी का दोहरा मापदंड। और दूसरा पहलू क्या है, वो ये मकसद ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लार्जर देन लाइफ पेश करना, उन्हें ईश्वर तुल्य बना देना, जिसके चलते कोई उनकी आलोचना ना कर सके, जिसके चलते कोई उनसे सवाल ना कर सके। यह सारा खेल दोस्तों उसी बात का है, वो खेल जो साल 2014 से खेला जा रहा है और अब भी बदस्तूर जारी है। और यकीन मानिए आने वाले दो सालों में, यानी कि 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले ये खेल और भी ज्यादा उग्र हो जाएगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लार्जर देन लाइफ, ईश्वर तुल्य, ईश्वर समान बताया जाएगा और उनसे सवाल करना और भी मुश्किल हो जाएगा। न्यूज चक्र में बस इतना ही। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।